वडोदरा की फैक्ट्री में आग लगने से हुआ जबरदस्त धमाका, 5 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। पीओके पर सेना अध्यक्ष की दो टूक, जैसे ही संसद का आदेश मिलेगा हम उचित कार्रवाई करेंगे। JNUVC ने छात्रों से की बात, का हॉस्टल में रह रहे अवैध छात्र हिंसा में हो सकते हैं शामिल। निर्भया केस में 14 जनवरी को 5 जजों की पीठ करेगी दोषियों की समीक्षा याचिका पर सुनवाई। गुजरात में अमित शाह बोले, CAA का मकसद लोगों को नागरिकता देना, ना कि छीनना। लखनऊ नोएडा में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, मुंबई या गुड़गांव मॉडल पर फैसला आज। इतिहासकार और लेखक M. चिदानंद मूर्ति का 88 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन, PM ने जताया शोक। विधानसभा से पहले जीतन राम मांझी ने खेला नया दांव, 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अमेरिका ने मिसाइल हमले के बाद ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। पाकिस्तान की मस्जिद में विस्फोट, इमाम व पुलिस अधिकारी समेत 16 की मौत, इमरान खान ने मांगी रिपोर्ट। डोपिंग केस में फंसे पूर्व विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केनियाई एथलीट विल्सन किपसोंग लगा बैन। गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया खेलों का रंगारंग आगाज। BCCI ने जन्मदिन पर शेयर किया राहुल द्रविड़ की तूफानी 153 रन की पारी का वीडियो। न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुनी जाएगी टीम, दिग्गज खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की हो सकती है वापसी। बुमराह का धमाका, अश्विन चहल को पीछे छोड़ बनाया सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का बड़ा रिकॉर्ड। शहनाज पर फूटा सलमान का गुस्सा, बिग बॉस से बोले दरवाजा खोलो और बाहर भेजो। जर्सी की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर के साथ गंभीर हादसा, होठ में लगे 13 टाके। दीपिका पादुकोण के समर्थन में आए पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, फिल्म को जोखिम में डालकर हिंसा के खिलाफ खड़े होना प्रेरणादायक। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, रिलीज पर लगी रोक। रेखा संग जानवी का दिखा स्पेशल बॉन्ड, मनीष मल्होत्रा के घर हुई स्पॉट। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।